हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में। साथियों, आगरा यूनिवर्सिटी से कर रहे प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए BD 101 बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि के महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का सेशन देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिजेज ने। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्ध 140 से ऊपर होती है वह होते हैं। अगर किसी बालक की जन बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो जाती है तो होते हैं, तो वो कौन से बालक होंगे? वो प्रखर बुद्धि वाले। कौन? प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे साथियों, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध होती है, जो सामान्य बालक हैं, साधारण बालक हैं जिसको कहते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 109। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हीन बुद्धि मेंटली डिफेक्टिव बालकों की बुद्धि लब्ध होती है कितनी होती है? 70 से नीचे होती है। जो हीन बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है। अगला प्रश्न, द माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, जैविकी कारण, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कथन किसका है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीटरसन का। अगला प्रश्न, माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वह अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत किसका? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें कुड़ रखती हैं, यह सिद्धांत किसने दिया? समानता का सिद्धांत। एक और प्रश्न है लास्ट आज का दोस्तों, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा रास का, ऑप्शन नंबर सही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको हम डेली ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टेक यू, बाय बाय।